2024 चुनावी साल, और आप जानते हैं चुनावी साल कितना महत्वपूर्ण रहता है राजनीतिक दलों का। लेकिन पूरी तरह से व्यवस्था चलाने के लिए देश की बजट जो है एक महत्वपूर्ण कड़ी भी माना जाता है। आपको बता दें कि आज एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही है। और आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनावी साल से पहले ये पूर्ण बजट है, और इसके बाद अगली सरकार किसके हाथ होगी ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस समय अगर हम कहें तो 5 उम्मीदें लगाए हुए देश की आम जनता बैठी हुई है। और सबसे पहले अगर मैं चर्चा करूं तो सबसे पहले टैक्स पेयर्स की उम्मीद है। टैक्स पेयर्स को पिछली मर्तबा भी जब बजट पेश हुआ था तो कोई उम्मीद जो थी वो जागी थी कि देखिए इस बार देश की वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण कुछ छूट जो है टैक्स पेयर्स को देगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। और इस बार जो है टैक्स पेयर को छूट मिल सकती है ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि लगातार अगर हम कहें यहां पर सवालों के घेरे में भी केंद्र सरकार आती रही है। और देश की आम जनता की सबसे बड़ी मांग एक टैक्स पेयर के रूप में यही है कि अगर हम एक वोटर हैं तो हमें भी पूरी तरह से उस दायरे में लाना चाहिए जहां पर छूट की व्यवस्था पूरी तरह से लागू होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम कहें तो बड़ी बात यह देखने को मिल रही है कि किसानों को भी इस पूरी तरह से व्यवस्था से, इस बजट की जो पूरी कार्रवाई है उससे बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक योजना चलाई गई थी किसानों के लिए, जिसके तहत जो है 6,000 रुपये वो पूरी तरह से एक व्यवस्था के तहत उनको आर्थिक मदद के रूप में दी जा रही थी केंद्र सरकार की तरफ से। और किसानों की अगर हम कहें बड़ी मांग ये रही है कि उस एक नगद राशि में, उस एक पूरी तरह से व्यवस्था में कुछ बढ़ोतरी जो है वो की जानी चाहिए जिससे आर्थिक सहायता और बढ़ सके। इसके बाद अगर मैं कहूँ महंगाई से आम आदमी की कमर टूट चुकी है और महंगाई से राहत कब मिलेगी ये देश की वित्त मंत्री ही बता सकती हैं। और महंगाई के साथ साथ अगर हम कहें तो यहाँ पर वो ये भी कहती हैं कि देखिए मैं खुद मिडिल क्लास से ताल्लुक रखती हूँ, तो गरीबों के लिए तो मुफ्त राशन की योजना केंद्र सरकार द्वारा लाई गई है, लेकिन मिडिल क्लास के लिए महंगाई जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, आसमान को छू रही है। और एक बजट अगर हम कहें गृहिणी का तो वो बजट भी बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या यहाँ पर गैस सिलेंडर के दामों में जो है वो कटौती होगी ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि खाने का पीने का सामान जो है उसमें भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है पिछले साल से इस साल में। और उसके बाद एक बड़ी उम्मीद ये जताई जा रही है कि देश की वित्त मंत्री कुछ ऐलान कर सकती है कि क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा हुआ है आपके किचन के लिहाज से। उसके बाद अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर रोजगार के मोर्चे भर भी सरकार को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस समय बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। और बेरोजगारी के साथ साथ भारत सरकार लगातार ये कहती है कि अर्थव्यवस्था के मामले में हम देश की सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था मानी जा रही है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूती की ओर आगे बढ़ रही है। बड़ा सवाल ये है कि जहां पर बेरोजगारी की चर्चा होती है वहां पर अर्थव्यवस्था की भी यहां पर चर्चा होती है, और सरकार लगातार बेरोजगारी के सवाल को अर्थव्यवस्था के जवाब से दबाती हुई नजर आती है। अब यहां पर युवा चिंतित है अपने भविष्य को लेकर, बहुत डिग्रीज उन्होंने हासिल की हैं, अच्छी शिक्षा ग्रहण की है, अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़े हैं, लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि सरकारी पद भी जो है वो खाली पड़े हुए हैं, यानी कि सरकारी नौकरी के जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं, उसको भरने के लिए केंद्र सरकार के पास बड़ी योजना क्या है और केंद्र सरकार बड़े कदम क्या उठा सकती है। हेल्थ बजट की मैं बात करूंगी, इस बार उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि हमने देखा कि कोरोना काल में किस तरह से पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सी गई थी, और स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा इस प्रकार गई थी क्योंकि उस प्रकार के यहाँ पर बुनियादी ढांचा जो था उसकी कमी आम लोगों को महसूस हो रही थी, जिसके बाद उस समय के जो स्वास्थ्य मंत्री है उनको भी खरी खोटी सुनने को मिली थी। लेकिन सरकार अगर इस समय पैनी नजर जो है वो हेल्थ सेक्टर पर बनाए हुए हैं और स्वास्थ्य के इस सेक्टर पर पूरी तरह से व्यवस्था चलाने की कोशिश जो है केंद्र सरकार की नजर आ रही है। और इस बार ये जानकारी मिल रही है कि कुछ ऐसी सुविधाएं प्राप्त करवा सकती है केंद्र सरकार जिसके माध्यम से आपका जो इलाज है उसको सस्ता करने की कोशिश कर सकती है, यानी कि हर एक व्यक्ति जो बुनियादी सुविधा की मांग करता है केंद्र सरकार से उसको पूरा करने की कोशिश जो है केंद्र सरकार कर सकती है। इसी के साथ साथ मैं बताऊं तो केंद्र सरकार की तरफ से आयुष्मान भारत कार्ड जो है वो लॉन्च किया गया था, जिसके माध्यम से कहा गया था कि अब जो है सरकार आपकी दवाइयों का खर्चा, आपके इलाज का खर्चा उठाएगी। लेकिन उसके साथ साथ अगर कुछ और यहाँ पर कड़ियां जोड़ी जाती हैं, अगर कुछ और बड़े फैसले, कुछ बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं स्वास्थ्य के लिहाज से, तो वो काफी ज्यादा अहम होगा। तो कुल मिलाकर
पांच उम्मीदें हैं, चाहे टैक्स पेयर हो, चाहे रोजगार के मोर्चे पर हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे महंगाई हो, ये पांच उम्मीदें देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से, और क्या ये उम्मीदों पर खरी उतरती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि आज पूरे देश की निगाहें वित्त मंत्री के बजट पर हैं। आने वाला साल 2024 चुनावी साल है, लोकसभा चुनाव का साल है, जो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने वाले नेता को निर्धारित करेगा। लेकिन उससे पहले लोगों के लिए बजट जो जगमगा रहा है उनकी किचन का, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। आप यूं हमारे साथ बने रहिए, देखते हैं व्यू स्टूडियो जम्मू सुहान के लिए।